हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा सिंह आज बनाने जा रही हूँ राम लड्डू की चाट। ये रेसिपी बहुत सिंपल है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसको आप हल्की भूख में या मेहमानों के आने पे फटाफट बना सकते हैं। इसके लिए जो मैंने सामग्री ली है वो एक कटोरी मूंग की दाल में आधा कटोरी चने की दाल मिक्स कर मैंने 5 से 6 घंटे इसको भिगोया है। अब मैं इस दाल को छान लूँगी। इसको पीसते समय ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, और जब मैं पीसूंगी तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत बारीक दाल मुझको नहीं पीसनी है। देखिए मैंने दाल इस तरह से इसमें डाल ली है, पानी नहीं है इसमें। अब मैं इसको पहले मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इस दाल को पीसा है, ये बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। अब मैं इसको एक कटोरे में निकाल रही हूँ। ये देखिए दाल इस तरह से पिस गई है। अब हमें इस दाल को खूब अच्छे से फेंटना है, या तो आप इसे हाथ से फेंटिए, लेकिन मैं अपने हैं इस बीटर से फेंटूंगी। ये देखिए दाल फिट करके इस तरह से हो गई है, बहुत लाइट वेट हो गई है, काफ़ी फूल गई है दाल। अब मैं इसमें हल्के से मसाले डालूंगी, थोड़ा सा नमक, आधी छोटी चम्मच मिर्च स्वाद के अनुसार, चौथाई चम्मच जीरा। ये मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का ग्रेट करा हुआ है और एक हरी मिर्च बारीक काटी हुई है। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रखा हुआ है, ये अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसके अपने मनपसंद आकार के राम लड्डू बनाने कर और तलूंगी। ये इस तरह से लेकर के अब मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी। अभी देखिए फूल कर ऊपर आ जाएंगे। बहुत अच्छी दाल फिटी है, देखिए किस तरह से ये सब फूल कर ऊपर आ रहे हैं। हमें गैस की फ्लेम अभी हाई रखनी है, बाद में हम इसको मीडियम हाई कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे ये मूंग के राम लड्डू तैयार हुए हैं। मैं इनको धीमी आंच पर अब मैंने सेक रही हूँ ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाए। ये इस तरह से सिक कर तैयार हो चुके हैं। मैं इनको एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगाकर निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सब टिश्यू पेपर सोख ले। इसी तरह से मैं बाकी के भी बना लूंगी। ये सब राम लड्डू सिक करके तैयार हैं। अब हमको जितने खाने होंगे उतने हम इनको तैयार करेंगे, अभी सब चटनी और मसाले डालकर। अब हम देखिए किस तरह से इनको तैयार करते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। मैं इस तरह से इनको फोड़ करके रखूंगी। आपको जितने खाने हों आप उतने की प्लेट लगाइए।
मैंने ये गाजर और मूली कद्दूकस करके रखी हुई है, मैं इसके ऊपर इसको इस तरह से डालूंगी। ये मैंने हरा धनिया, दही और नींबू और हरी मिर्च मिला करके चटनी बनाई हुई है, बड़ी टेस्टी चटनी बनती है। इस तरह से डालकर, और ये मैंने इमली की मीठी सौंठ बना रखी है, ये मैं इस तरह से इस पर डालूँगी। ये आप अपनी इच्छा के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। कटी हुई थोड़ी से अदरक और हरी मिर्च, अगर आपको तीखी खानी है तो आप डालिए, अगर नहीं खानी है तो आप नहीं डाल सकती, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, आधा नींबू, फिर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ गाजर और ये मूली का रस। हल्का सा नमक और पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च। ये देखिए राम लड्डू की चाट तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरी चैनल के लिए नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।